वेलकम बैक जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर बात करूंगा 1 वीक के करंट अफेयर की, 15 से लेकर 21 मई के बीच में जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 10 न्यूज है उसे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। हर संडे जो होता है, हर वीक के जो संडे होता है उस दिन हम लोग जो है वीकली करंट अफेयर को रिविजन करते हैं। आपको पता होगा, जिन्हें नहीं बताया तो आपसे याद रखिएगा, ठीक है। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में सभी जगह शेयर जरूर करिएगा जो वीकली करंट अफेयर को सर्च करते हैं, ठीक है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पॉइंटों को ध्यान से समझिएगा, हर एक पॉइंट हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम न्यूज की बात करते हैं। सबसे पहला रहा कि सर्वाधिक मोबाइल डेटा स्पीड वाले टॉप 10 देशों की अभी लिस्ट जारी करी गई, ठीक है। इस टॉप 10 देशों की लिस्ट में हमारा देश कौन से पर है उसको और बाकी नंबर वन पर कौन रहा वो तो देखिए। इंटरनेट स्पीड टेस्ट करने वाली टेक फर्म है जिसका नाम है उकाला, ठीक है। क्या है? उकाला। उकाला जो है, उकाला ने अभी ग्लोबल स्पीड टेस्ट रिपोर्ट को जारी करा है। आपको ये याद रखना है कि किसके द्वारा इसे जारी करा जा रहा है, ठीक है। अब इसके तहत ग्लोबल लेवल पर विभिन्न देशों की रैंकिंग जारी करी गई है, लेकिन लेकिन इसमें खाड़ी देश का जो कतर देश है वो वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा स्पीड वाला औसतन स्पीड डाउनलोड स्पीड के साथ पहले स्थान पर बना है। किसकी बात हो रही है? कतर देश की। खाड़ी देश का जो ये कतर देश है ना, इसकी यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो कतर देश जो है वो सबसे ज्यादा स्पीड वाला रहा है, जिसकी स्पीड कितनी है? 189 Mbps की स्पीड रही है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। लेकिन सर हमें ये बताइए हमारे देश का क्या हाल रहा, ठीक है। तो देखिए हमारे देश की अगर मैं बात करूं तो 36.35 Mbps की स्पीड के साथ भारत नेट की, मतलब भारत की जो नेट की स्पीड है वो इतनी ही है, ठीक है। और इस रैंकिंग में भारत की रैंकिंग 60वीं रैंकिंग है, यानी कि विश्व के अंदर 60वां देश भारत ऐसा है जहां पर अच्छा इंटरनेट प्राप्त है। ये आपको याद रखना है। अगर इस रैंकिंग की मैं बात करूं तो भारत कई देशों से पीछे है, ठीक है ना। ये आप समझ गए, पहला स्थान समझ गए। टॉप 10ों को देख लीजिए, कौन कौन से टॉप 10 देश है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस रैंकिंग में कतर पहले पर है, 189.98 Mbps की स्पीड आती है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद UAE का नंबर आता है, फिर मकाओ का नंबर आता है, कुवैत का नंबर है, नॉर्वे है, डेनमार्क इसमें है छठे नंबर पर, बरीन है 7वें नंबर पर, दक्षिण कोरिया है 8वें नंबर पर, चीन है 9वें नंबर पर, नीदरलैंड है 10वें नंबर पर। यानी कि ये 10 वो देश है जहां पर इंटरनेट की स्पीड एक बहुत लेवल की आगे है, क्लियर है, याद रहेगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड है एक्सरसाइज जल राहत अभी शुरू करी गई थी और ये क्या है इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज जल राहत जो है वो भारतीय सेना के गजराज कोर ने इसको स्टार्ट करा है, ठीक है। विभिन्न आपदा प्रबंधन और समूह के साथ मिलकर इसको शुरू करा गया है, जिसका नाम रखा है जल राहत अभ्यास, ठीक है। और इसका नाम एक संयुक्त, मतलब एक संयुक्त बाढ़ राहत ड्रिल का आयोजन इसमें करा गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब क्या होता है, जैसे अभी असम की अगर मैं बात करूं, वहां बाढ़ थी, तो मौसम के मानसून का समय अभी आने वाला है और मानसून में मौसम से पहले बाढ़ रहित तैयारी को बढ़ावा जो है उसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको अभी एक्सरसाइज को शुरू करा गया है, ठीक है। अभ्यास में कई एजेंसियों के बीच जो है समझौता भी हुआ है, कई एजेंसियों ने मिलकर इसमें काम करने की हामी भरी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब जल राहत अभ्यास का जो उद्देश्य वो यही है कि बाढ़ रहित प्रयासों की तैयारी को मजबूत बनाना है, मानसून से बाढ़ के उत्पन्न चुनौतियों को स्वीकार करते हुए इस ड्रिल का आपदा प्रतिक्रिया में शामिल विभिन्न संगठनों के बीच जो है एक समझौता हुआ है, जिसके सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से समझौते, मतलब किस किस संगठन ने साथ दे रही है, तो भारतीय सेना की गजराज कोर के साथ साथ सशस्त्र सीमा बल SSB, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA के कर्मियों और पुलिस प्रतिनिधियों ने अभ्यास में भाग लिया कि भैया जब मुसीबत आएगी तब हम उसमें साथ देंगे, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं आपसे बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 100 डे 100 पे अभियान क्या है। देखिए अभी ये 100 डे और 100 पे का मतलब क्या है, तो अभी भारतीय रिजर्व बैंक जो है RBI, जिसने अभी 2000 के नोट को जो है बंद कर दिया, ठीक है, बंद नहीं कहूंगा, सर्कुलर से हटा दिया, सर्कुलर जो होता है उससे हटा दिया, मतलब ये होता है कि सरकार अब क्या करेगी, 2000 के नोट नहीं बनाएगी, ठीक है, वो उन्हें नहीं छापेगी। हालांकि ये काम सरकार जो है RBI पहले धीरे धीरे करके 2019 से ही स्टार्ट कर दिया था सरकार ने, RBI ने, मतलब, ठीक है ना, जैसी बात सरकार के कहने पर ही किया होगा। तो RBI ने 2000 के नोट जो है 2019 से ही छापने बंद कर दिए थे, लेकिन अभी उन्होंने बिल्कुल ही कह दिया कि भैया अब ये सर्कुलर में नहीं है, ठीक है। बैंकों में जब भी आप जाएंगे ना, तो आपको 2000 रुपए का नोट नहीं मिलेगा बैंक के अंदर, ठीक है, आपको 500 रुपए का नोट मिलेगा आपसे, क्लियर है। लेकिन बात यहाँ भी आ रही है कि हमारे 2000 रुपए जो हमारे पास है उसका क्या होगा, तो वो
उसकी जो डेट है वो 30 सितंबर तक है। वैसे तो आप उन्हें चला सकते हैं कहीं भी, वो अमान्य नहीं है अभी, वो चलेंगे 30 सितंबर तक, परसों से 23 तारीख से। 23 तारीख से जो है आप बैंकों में जाके एक्सचेंज करवा भी सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कोई लेगा नहीं, जाहिर सी बात है, कोई 2000 रुपए के लेके फिर उसे नोट में जाके मतलब बैंक में जाके क्यों चेंज कराएगा, वो आपसे क्यों लेगा। तो एक तरीके से वो नहीं चलेगा, ये मान लीजिए, ठीक है। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं बोला है कि वो नहीं चलेगा, वो चलेगा 30 सितंबर तक, ठीक है। बाकी आप 30 सितंबर तक बैंकों में एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो आरबीआई ने अभी ये जो 100 डेज 100 पे वाला जो अभियान शुरू करा है, इसमें आरबीआई कहता है कि भैया हमारे पास कुछ ऐसे खाते हैं जिनका अता पता ही नहीं है मालिक कौन है। अभियान का उद्देश्य जो है 100 दिनों की अवधि के भीतर बताया जा रहा है कि सभी जिलों के प्रत्येक बैंकों में शीर्ष 100 लावारिस जो जमा राशि है, यानी कि जो खाते हैं जिनका पता ही नहीं है, बंदा आ ही नहीं रहा है लेने, उनका निपटान करना है, ठीक है। इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य बैंकों द्वारा जमा की गई अदावी जमा के मुद्दे को सक्रिय रूप से संबोधित करना है। यह अभियान विशेष रूप से प्रत्येक जिला के भीतर प्रत्येक बैंक में शीर्ष 100 लवारी जमा की लवारी जमा को लक्षित जो है करता है। इसका लक्ष्य क्या है? व्यापक निपटान है। जमाओं पर ध्यान केंद्रित कर आरबीआई का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सही मालिक या दावेदार अपने लंबे समय से अतिदेय धन प्राप्त करें, ठीक है। मतलब यह है कि भैया जो आपके पास आपका जो बैंक में पैसा पड़ा है, 500 रुपए पड़ा है, 1000 रुपए पड़ा है, जिसको आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं है, उसको आप लोग निकालिए और अपने पास रखिए, ठीक है। फरवरी की एक रिपोर्ट में बताया गया कि आरबीआई के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने आरबीआई को बिना दावे वाली जमा राशि के रूप में 35,512 करोड़ की पर्याप्त राशि हस्ताक्षरित की थी। ये चौंका देने वाले आंकड़े हैं वैसे तो, ठीक है ना। और इसी को देखते हुए इन्होंने इस चीज को शुरू कराया आरबीआई ने, ठीक है। अगर आपका भी कोई ऐसा अकाउंट है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है तो उसका थोड़ा पता करिए और अपना पैसा निकाल लीजिए। चौथा क्वेश्चन है, पुर्तगाल के इच्छा मृत्यु को वैध घोषित किया गया। अभी पुर्तगाल में काफी लंबे समय से ये मुद्दा चल रहा था कि इच्छा मृत्यु को वैध करा जाए या ना करा जाए, ठीक है। लेकिन अभी ये वैध है। हुआ क्या था समझिए, पुर्तगाल ने हाल ही में एक कानून पारित करा जो कि इच्छा मृत्यु को वैध बनाता है। इन्होंने ऐसा करने वाले दुनिया के कुछ देशों में से एक बन गया है ये। इस कदम ने इसे कैथोलिक जो देश है ना, कैथोलिक देशों के भीतर गहन बहस के लिए छिड़ा दिया है। और रूढ़िवादी राष्ट्रपति हैं मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने कड़ा विरोध इसका व्यक्त करा। उन्हीं के कारण जो है ये भी हो रहा था कि ये जो है बार बार रुक रहा था, मतलब रोका जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जो अभी इच्छा मृत्यु बिल एक लंबे विधेयक प्रक्रिया से गुजरा, उसके बाद ये देखा गया कि राष्ट्रपति जो रेबेलो डी सूसा है उनके विरोध के कारण हर बार इसे संवैधानिक समीक्षा के लिए वापिस भेजा जा रहा था। और अभी ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया। इच्छा मृत्यु आप समझ गए होंगे, इच्छा मृत्यु मतलब आप अगर चाहे कि भैया हमें नहीं जीना है, ऊपर जाना है, तो आप जा सकते हैं, ठीक है ना। नए कानून के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति मरने में सहायता का अनुरोध करने के पात्र हैं। हालांकि कानून जो है वो निर्दिष्ट करता है कि यह केवल स्थायी और असहनीय दर्द का अनुभव करने वाले व्यक्तियों को कवर करता है, ठीक है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति को ऐसी बीमारी लग जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है कि उसको लगता है कि यार मरना ही अब एक लास्ट है, लेकिन वो मर नहीं सकते क्योंकि ऐसा कानून नहीं है देश के अंदर। लेकिन इन्होंने उसी पर ध्यान दिया है। महत्वपूर्ण है कि कानून केवल पुर्तगाली नागरिकों और कानूनी निवासियों पर लागू होगा। पुर्तगाल में सहायता से मरने वाले विदेशियों को देश की सीमाओं के भीतर कानून की सीमाओं का उजागर करते हुए इस कानून द्वारा कवर नहीं किया जाएगा, ये भी यहाँ की सरकार ने गवर्नमेंट ने बोल दिया है, ठीक है। तो यार समझ गए होंगे। चलिए पांचवा मानते हैं, म्यांमार मिलिट्री को भारत से मिले हैं 420 करोड़ के हथियार। सर इसमें क्या बताने वाली बात थी? बताने वाली बात ये है, आपको पता है म्यांमार में 2021 में तख्तापलट हुआ। जब यहाँ पर तख्तापलट हुआ तो सेना के हाथ में सारी बारी आ गई। अब जब किसी देश की सेना पर हाथ पर बारी आ जाती है तो सेना अपने हिसाब से फिर शासन चलाती है। म्यांमार की जो मिलिट्री है उसने 2021 में तख्तापलट के बाद से $1 बिलियन यानी करीबन 8,000 करोड़ के हथियार खरीदे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक्सपर्ट के मुताबिक बताया गया है कि खरीद म्यांमार की सेना ने उस पर लगी पाबंदियों के बावजूद किया है। ज्यादातर हथियार रूस, चीन और सिंगापुर की कंपनियों से खरीदे गए हैं। इसमें तो कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, खरीदे गए, लेकिन भारत की कंपनियों से भी म्यांमार की सेना ने पिछले 2 सालों में 420 करोड़ के हथियार जो है जुटाए हैं। पर ये हथियार जुटाओ वो ठीक है, लेकिन यूएनई की रिपोर्ट इस बात का पुष्टिकरण करती है कि पुख्ता सबूत है इनके पास कि सेना इन हथियारों का इस्तेमाल लोगों के खिलाफ हिंसा करने में किया जा रहा है। यानी ये खरीद रहे हथियार और अपने ही देश के लोगों को मार रही है यहाँ की सेना। कुछ देशों ने बिना रुके सेना को हथियार पहुंचाए हैं।
ठीक है, जिसमें भारत भी शामिल है ये बताया गया है। अब अमेरिका के अंदर माफ करेगा, क्या कहते हैं, म्यांमार के अंदर 2021 में तख्तापलट हुआ था। ठीक है, यहाँ पर जब सेना का तख्तापलट कर दिया गया था, मतलब सरकार यहाँ पर गिरा दी गई, और यहाँ की पुलिस ने नेता, यहाँ की जो नेता थी आंगा सान सू की, इन पर कई आरोप लगाकर इन्हें जेल में डाल दिया। सेना ने तख्तापलट को यह कहते हुए सही ठहराया कि म्यांमार में 2020 के जो चुनाव हुए थे उसमें धांधली करी इन्होंने। ठीक है, और चुनाव में आंगा सान सू की पार्टी जो थी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, उसने एक तरफा जीत हासिल करी थी, जो कि स्कैम था एक तरीके से, इसीलिए इनको जेल भेज देगा। और अभी यहाँ पर शासन सेना का चल रहा है, ये या आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मोटा भैया की है, नॉर्थ कोरिया की पहली स्पाई सैटेलाइट की फोटो अभी जो है दुनिया के सामने दिखाई गई है। नॉर्थ कोरिया की बात मैं आपसे करूंगा। ये देखिए, ये है नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन, जानते होंगे आप, बहुत फेमस व्यक्ति है ये। नॉर्थ कोरिया के तानाशाही हैं किम जोंग उन, उन्होंने देश की पहले सैटेलाइट स्पेस को निरीक्षण अभी किया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया की सरकार जो है, जिसकी न्यूज एजेंसी है कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी, KCNA कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? KCNA कहा जाता है, याद रखिएगा, KCNA कहा जाता है। इन्होंने इस तस्वीर को जारी किया था। ठीक है, तस्वीर में आप देखेंगे सैटेलाइट के आसपास किम जोंग उन है, उनकी बेटी नजर आ रही है येरी। ठीक है, ये इनकी बेटी है, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि तस्वीर में सैटेलाइट पर फोकस नहीं किया गया है, सैटेलाइट को नहीं दिखाया गया है। ठीक है, ये चीज है। अब हम लोग बात इस सैटेलाइट की करते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण और यह सब व्यक्ति क्यों कर रहा है भैया। तो देखिए, ये जो सैटेलाइट दिखाने में जो है, ये पोलीगोनल सिलेंडर की तरह है। ठीक है, इसे गोल्डन इंसुलेटेड फाइल से कवर किया गया है। ठीक है, सोलर पैनल्स लगाए गए हैं इसके अंदर। नॉर्थ कोरिया, अमेरिका और साउथ कोरिया की सैन्य कार्रवाई की नजर रखेगा। एजेंसी ने स्पाई सैटेलाइट को नॉर्थ कोरिया के लिए देश के सैन्य क्षमता को बढ़ाने और अमेरिका और साउथ कोरिया से होने वाले खतरे से निपटने के लिए जरूरी बताया है। ठीक है, इसे पिछले साल 18 दिसंबर को नॉर्थ कोरिया ने अपने स्पाई सैटेलाइट की आखिरी फेज की टेस्टिंग की थी। ठीक है, और अप्रैल में इसे लॉन्च होने की घोषणा भी करी थी। हालांकि अब तक इसे लॉन्च करने की कोई तारीख सामने हमें देखने को नहीं मिली है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है ना, सबसे पावरफुल इस मिसाइल को हवा सोंगा 18 नाम भी अभी दिया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। सातवां है मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन, अभी लॉन्च किया गया था। क्यों करा गया है, किस लिए करा गया है? सरकार का जो है, सरकार कहती है, सरकार का मोबाइल एप्लीकेशन परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। भारत के युवा को जोड़ने और प्रेरित करने के लिए एक मंच प्रदान करा इन्होंने। इसे डिजिटल माध्यम से सरकार के उद्देश्य लाइफ, यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट के लिए एक राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। व्यर्थ खपत के बजाय विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देकर यह एप्लीकेशन पर्यावरण को संरक्षित करने, व्यक्तिगत कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है, इसलिए इसे शुरू करा गया। मेरी लाइफ करके मोबाइल एप्लीकेशन है, ये आपको याद रखना। आप इन्वायरमेंट से जुड़ सकते हैं, उसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है, सरकार के द्वारा वो बताया दिया जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का पांचवा संस्करण केरल में आयोजित किया गया अभी। ठीक है, देखिए, GAF 2023 इमर्जिंग चैलेंजेस इन द हेल्थ केयर एंड द आयुर्वेद की फोकल फोकल थीम के इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, और ये जो है इस विषय का एक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा अनुशासन के रूप में इसके कार्यकलाप को प्रदर्शित करता हुए समकालीन स्वास्थ्य मुद्दे से निपटने में आयुर्वेद की भूमिका का पता लगाने की आवश्यकता पर जोर देता है। ठीक है, दूसरा, आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान कर GAF 2023 जो है आयुर्वेद का एक मूल्यवान और प्रभावी विकल्प के रूप में स्थापित करना चाहता है, इसीलिए इसको किया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। मैं इसलिए इतना तेज बता दे रहा हूँ क्योंकि देखिए, इस वीक जो थी इतनी इंपॉर्टेंट खबर नहीं थी जो मैं आपको समझाऊं, जो थी वो मैंने आगे आपको समझा दी है। बस ये है कि हाँ, ये आ सकते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोर्टल है, कहीं पोर्टल लॉन्च करा गया, कहीं एप्लीकेशन है तो पूछा जाता है। भारत ई मार्ट पोर्टल लॉन्च किया गया अभी। देखिए, इंडिया पोस्ट कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और तृप्त टेक्नोलॉजीज ने भारत ई मार्ट पोर्टल बनाया है, जो कि पूरे भारत में व्यापार के माल को पिकअप और डिलीवरी सेवा प्रदान करेगा। दिल्ली में हाल ही में संचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे गए। भारत ई मार्ट पोर्टल भारत में छोटे व्यापारियों को बहुत आवश्यक लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करेगा, जिससे उनके व्यवसाय और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे जो है CAIT से जुड़े 8 करोड़ व्यापार को फायदा होने का अनुमान भी बताया गया है। ठीक है ना, यानी कि छोटे व्यापारियों के लिए है, जो छोटा व्यापार करते हैं, और हमारे देश में इकोसिस्टम की बहुत जरूरत है। ठीक है,
एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, आने वाली एक वीडियो होगी जिसमें हम लोग इकोनॉमी के इकोसिस्टम मतलब भारत का जो यूनिकॉर्न्स कंपनी है उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है? उसके लिए भी तैयार रहेगा, जल्दी आएगी वीडियो। लास्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पोड टैक्सी शुरू हुई है भैया, तो देखिए क्या है। पोड टैक्सी स्वचालित पर्यावरण के अनुकूल वाहन है जो सड़क यातायात से बचने के लिए अलग अलग ट्रैक पर चलती है, ठीक है? यानी ये कुछ इस तरीके से हवाई सफर होता है, देख रहे हो, इसमें ट्रैफिक खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ये पूरे भारत में नहीं चलेगी, ये उन्होंने परिवहन को अधिक पर्यावरण अनुकूल तरीका बनाता है। पोर्ट टैक्सियों को एक निश्चित संख्या में यात्रियों के लिए जाने के लिए डिजाइन किया गया है ना? इसे आज उपलब्ध परिवहन के सबसे उन्नत साधनों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें ट्रैफिक नहीं हो सकता, समझ रहे हो, इसमें ट्रैफिक का खत्म ही हो जाएगा पूरी तरीके। ये पोर्ट टैक्सी कुछ इस तरीके से कार्य करती है, अलग होती है इसकी लाइन अपनी, ठीक है? ये नहीं है कोई गाड़ी वाला, कोई बाइक वाला आ गया, कोई स्कूटी वाला आ गया इसके बीच में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बढ़िया सेवा है। अभी ये चलेगी कहाँ भारत में? पोर्ट टैक्सी परियोजना नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और फिल्म सिटी के बीच स्थित होगी। ये रूट 12 से 14 किलोमीटर का होगा। इसमें सेक्टर 29 हेडक्राफ्ट पार्क, सेक्टर 29 एमएसएमई पार्क, अप्रैल पार्क सेक्टर 32, सेक्टर 33 टॉय पार्क, सेक्टर 21 सहित 12 स्टॉप इसके अंदर बनाए जाएंगे फिलहाल अभी, ठीक है? तो ये चीज है, तो ये है टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आप इन्हें समझे होंगे, जाने होंगे, समझे होंगे कि वीडियो क्वेश्चन कौन से इंपोर्टेंट है, क्या थे, क्या समझे होंगे सारों को। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।